चैन नहीं लगा रखी आज, क्या बात? चैन तो गायब हो गया, तो चोरी होगी क्या? तो आरा, और अब तो आराम आ, तो डायमंड पहन रहा है, डायमंड ही है ना? डायमंड नहीं है, नकली है, डायमंड ही है ना? सामने से लिया था 65 रुपए का, नकली भैया को नकली नहीं है, वो नकली है, वो सावधे बोलो के वो 68 रुपए की असली है, वो असली भी हो सकती है, हो सकती नहीं है असली, हाँ। अरे असली है वो, झूठ बोल रहे होंगे, नहीं झूठ नहीं, नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे होंगे, कहीं कोई ना ले ले भैया वो 68 रुपए की थी, ये 65 रुपए की है भैया, वो 68 रुपए की थी, सामने तक रही थी चेन, वो भी रखी है, आप कहें तो वो भी है ना अवेलेबल, चीज आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं भैया ही जाने चीजें आपको देख के क्या लग रहा है? देख के तो आप डायमंड तो नहीं लग रहा है, चीजें अवेलेबल अभी भी है, शंकर ये लेटे हुए हैं, शंकर की जगह लाखी है ये चैन, अरे लाख नहीं नकली है, 68 रुपए की खरीदी थी, ये नकली है कह रहे हैं, कुछ होने तो दो थोड़ा माताओं बहनों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका है, जी को छोड़ दो कितने ग्राम की हो गई है ये तो अंदाज नहीं आ पा रहा है, तो यही बता सकते हैं ना, वजनदार है, खाली है, खोखली है, आप देखो ये कम से कम है आपका 250 ग्राम लगभग, अरे ना जी 250 ग्राम, 70 ग्राम, 70 ग्राम नहीं लग रहा है, बताओ आप, 70 ग्राम की चेन है, बाकी ऊपर की है, 70-80 ग्राम, 70 ग्राम 80 ग्राम ज्यादा क्यों लग रहा है, कुछ भूसा पड़ा है अंदर, ये ठोस है, ये ठोस है, ज्यादा हिम्मत करो घिस जाएगा, ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, माता का आशीर्वाद बना रहे हैं, और ऐसी 10 चैने और जोड़े ये बिल्कुल कह रहे, चलो डन, और कुछ कहना चाहेंगे सर नवरात्रि पे, जो ज्यादातर हल्द्वानी से वीडियो देखते हैं मेरे, तो जो माताएं बहने हैं व्रत रख रहे हैं और नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं अभी, उस समय आप कितने सस्ते में सामान देंगे, कितने बजे दुकान खुलती है? सर जी मैं कुछ भी रहता है, मैं उठ तो जाता हूँ 4 बजे, लेकिन दुकान खोलता हूँ मैं 9 बजे के बाद, क्योंकि आनंद में रहूंगा तो भगवान रहेगा, 10 बजे दुकान खुलती है आप? 10 बजे, और क्लोज कितने बजे? क्लोज तो आप 11 बजे करवा लो, 11 बजे तक आपके वहाँ सामान मिल जाएगा, मिल जाएगा सस्ते रेट में, बढ़िया मिल जाएगा, सस्ते रेट में नहीं महंगे रेट में, तो देखिए एक दुनिया कहती है थोक में, और मैंने अपने थैले के नीचे लिखवा रखा है थोक के रेट, थोक के रिटेल, थोक के रिटेल, मतलब एक बार रेट ठोको ना दुनिया में, ये करेंगे वो करेंगे क्या फायदा, हम तो तुझे इतने का लगा देंगे, ये सब लोग क्या करते हैं मालूम है, अभी इतने का लगाएंगे शाम को वो लगा लेंगे, लेकिन मैं तो मैं कलाकार हूँ, पैसा कमाऊंगा चैन जोड़ूंगा बस, अरे आनंद लूंगा, दुनिया में आया हूँ तो भगवान ने ऐसे दिया मनुष्य जीवन, गाय को मनुष्य क्यों नहीं बना दिया, कपूर की डिब्बी कितने की है? कपूर की डिब्बी है 90 रुपए की, जय हो, आपको बधाई हो साहब, किस चीज की? नवरात्रि, नवरात्रि की, होली की, दिवाली की, कैसे हो आप? बढ़िया साहब, क्या चल रहा है नवरात्रि में खास? सब खास ही है, भगवान है तो सब कुछ खास ही खास है, क्या दुकान एकदम सजा दी है, और रेट कैसे चल रहे हैं आपके आजकल? रेट वही पुराने वाले में, हम तो पुराने हैं, पुराने में ही रहेंगे, और क्या कहेंगे, माहौल कैसा हो रहा है बाजार में इस समय? आनंद छा रहा है, बढ़िया हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद, सारा सामान आपके वहाँ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अरे महंगाई के लिए कहूँ, जो मेरे पास है नहीं है वो उसके लिए रुक जाएगा ही इंसान, नहीं नहीं पूजा का सामान, पूजा का सामान, पूजा से रिलेटिव दुकान है ना आपकी? हाँ हाँ, तो कुछ डायलॉग वायलॉग बता दो फिर एक दो, फिर चलते हैं हम, अरे साहब क्या डायलॉग बताऊँ, डायलॉग ही पे नया भजन ही बोल दो, लेकिन आज भजन तो बोल सकते हैं, पितरों का बोलता हूँ भजन, मुझे गाना मैं सुनने वाला हूँ, चलो बोलिए फिर, मेरे पितरों का भजन है, पितर कभी जाते नहीं है, पितर हमेशा साथ रहते हैं, तब भी तो मैं ऐसा हूँ, मैं श्राद्ध नहीं मनाता, मेरे पापा दादा सब अभी तक जिंदा है, लोग कहते हैं श्राद्ध मनाना, मैं नहीं मनाता, अच्छा क्यों? अरे पितरों की कृपा है तभी तो बैठा हूँ ऐसे, अच्छा ऊपर से आवाज तो पितर लगा रहे, उनके आशीर्वाद से तो मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो कहाँ होता, लोग तो अपने पितरों को ही छोड़ देते हैं, जिंदे में छोड़ देते हैं वो तो छोड़िए, तो मैं आज आपको यहाँ पर सुंदरी दिखाता हूँ राधा रानी जयमाला स्टोर में, ये देखिए ये 40 रुपए का आपको मिलेगा, काफी अच्छा रेट में है, ये भी 40 का है, एक 40 का है क्या ये? जी अच्छा, महंगा तो नहीं है ज्यादा?
और ये नए आए हैं ऊपर के जो देख रहे हैं, ये 70 रुपए का एक मिलेगा आपको। थोड़ा खोल के देख, इसको दिखाओ जरा, लंबा करके ये दिखा रहे हैं। ये इस तरह की चुनरी है माता रानी की, ये नया है 40 रुपए में। अब यहाँ को भी दिखाते हैं, ये देखो ये 70 का है ना, ये 70 का है ना ये वाला, हाँ 70 का है, ये भी 70 का है। और ये कुछ नया आया है ट्रेंडिंग में। वैसे सब कपड़े यहाँ पर माता रानी के जो चुनरी है वो नए हैं, मगर ये कुछ अलग नया यहाँ पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर चुनरी लगी हुई है। अब यहाँ पर काफी बड़ी दुकान है, यहाँ पर आपको भगवानों से रिलेटेड सारे सामान मिल जाएगा। जितने भी भगवान है, इष्ट देव है, सब कुछ आपको इस दुकान में यहाँ पर अच्छे रेट में प्रोवाइड हो जाएगा। देखो माला से लेके आपको मैं इधर को जगह आप दिखा देता हूँ। ये रुमाल कितने के? 10 रुपए के, 10 का एक पूरा पैकेट। कितना है का ये? 100 रुपए दर्जन। 12 रुमाल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कन्या को खिलाना है और उनको कुछ देना है तो 100 रुपए दर्जन आपको ये रुमाल मिल जाएंगे। और ये देखिए ये कितने का है बड़ा वाला? 140 में लिखा नहीं ना रेट, रेट लिखो इसमें, देखो खाली है। 140 के ये सारे, सब 140 के, ये 70 रुपए के, और ये भी 70 के ना सब। आप ही देखिए सब नए नए चुनरी आ गए हैं और ये भी 70 रुपए का। देखो बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो अब ले सकते हैं यहाँ से। अब इधर को देखिए, पिछोड़ी उगरा माला उगरा भी है, देखो सब 40-40 रुपए में, और डिस्काउंट भी कर देते हैं भैया। और यहाँ पर कौन सी दुकान है वो भी हम आपको, यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, महिलाएं उगरा यहाँ पर अधिकतर यहीं से लेते हैं। अब यहाँ को देखे नए नए दुकान है, मैं जरा बाहर से जरा दुकान यहाँ दिखा देता हूँ इनकी। ये देखिए ये दुकान है इनकी, राधा रानी जयमाला स्टोर करके। आप अगर नंबर लेना है तो नंबर ये है, इनका फोन कर सकते हैं। ये देखिए ये दुकान है, कहाँ पर आना है आपको? ये देखिए संजय कुमार गोयल किराना स्टोर, सदर बाजार आना है, गोवर्धन जनरल स्टोर के ठीक सामने। आप देखते हैं राम जी जयमाला पैलेस के ठीक सामने आना है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तिल का तेल भी 130 रुपीज का है और ये भी 35 रुपीज का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जौ वगैरह सब है यहाँ पर, ये देखिए जौ है, राई है, तिल है, सारा कुछ देखो, रोली है, और सारा कुछ जो मसान वसान पूछते हैं ना उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी मैं सदर बाजार में ही है, आपको ये जरा थोड़ा सा बाजार का दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब आने वाले समय में इस तरीके से यहाँ पर मार्केट सजी रहेगी, आप यहाँ आ सकते हैं और आप ले सकते हैं। देखो ये पूरी जो है ना पूजा पाठ वाली मार्केट आपको यहाँ पर दिखेगी, ये जितनी भी मार्केट है, मगर यहाँ पर कुछ मार्केट मैंने आपको दिखाई एकदम सस्ते में आपको यहाँ पर सामान प्रोवाइड होगा। पूजा से रिलेटिव चुनरियाँ आपको लगभग यहाँ पर दिख रही होंगी, जय माता दी लिखे हुए लगभग अधिकतर ही आपको चुनरी जो दिख रही हैं सब जय माता जी। देखो अभी ये आने वाला है, ये देखिए जय माता दी लिखी हुई चुनरी आपको लगभग मार्केट में यहाँ पर मिल जाएंगे। चारों ओर देखिए, अगर आपको बड़ी चुनरी लेनी है, ये झंडा लेना है, तो इस तरह का भी आपको मिल जाएगा, तो बड़े झंडे भी मिल जाएगा। इसका जरा रेट पूछते हैं, बड़े बड़े झंडे का रेट क्या सर? ये ये वाले का सर 160 में गाइज आपको यहाँ पर ये माता रानी का बड़ा झंडा लगभग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर छोटे भी मिल जाएंगे, बड़े भी मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर बाजार में काफी यहाँ पर हलचल है, तो यहाँ पर ना आपको नारियल भी मिल जाएगा 40 रुपए में, आपको यहाँ पर नारियल मिल जाएगा। देखिए ये बजा के ले जा रहे हैं, कहीं पानी तो नहीं है, मगर सब में पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पर तरह तरह के मिष्ठान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो पेठा से लेके सारा कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये देखिए गाढ़ा वगैरह भी मिल जाएंगे, तो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मैं अलग से अभी जब दिवाली के टाइम पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके के यहाँ पर मिष्ठान मिल रहे हैं। अभी लगभग पूजा से रिलेटिव ही वीडियो होने वाली है, तो नारियल इनको ना पसंद नहीं आया, पसंद नारियल ले लिया, ले लिया। तो अभी नारियल यहाँ पर अधिकतर मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, एकदम फ्रेश ताजा एकदम नारियल है, जगह जगह आपको यहाँ पर ठेले पे देखने को मिलेंगे। ये है भाई सदर बाजार, देख रहे हो हल्द्वानी का, सदर बाजार में आ सकते हैं पूजा से रिलेटिव। क्या लेने आए हैं आप? नवरात्रि का सामान ले लिया। फिर कहाँ से लिया? यही मार्केट से। राधा रानी से लिया? नहीं, पीछे राधा रानी से लेना, ठीक है, सस्ता लिया महंगा? हम वहीं से लेते हैं राधा रानी। और क्या कहेंगे? ये हम तो पेपर ले रहे हैं। अच्छा, पेपर लेने आए। राधे राधे। क्या नाम है आपका? लता तिवारी। कहाँ से रहते हैं आप? नवाबी रोड। अभी बुरा दहनी है? अभी नहीं, अब नवरात्रि में। नवरात्रि कब से चालू है? 3 तारीख से। तो आप पूरे नवरात्रि में व्रत रखोगे? जी जी। चलो ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पुष्पा जोशी। अभी व्रत रखोगे? हाँ। और कितने दिन रहो? खाते नहीं हो कभी भी? ना, एक बार खाती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि ना मैं कृष्ण भक्ति करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख के लग ही रहा है, जो माथे में आपने इस तरह का चंदन लगा रखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे नवरात्रि से आप लोगों को? नवरात्र में क्या कहेंगे? व्रत रखें या व्रत रखेंगे? रखने को कहेंगे, भगवान की आराधना करने को कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल है यूट्यूब में कोरुंगा ब्लॉग्स करके, देख लेना आप। तो अभी यहाँ पर सदर बाजार से वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत कुछ शहर में चलता है, बहुत कुछ परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है,
तो आज मैंने आपको पूजा से रिलेटेड जो भी सामान है सारा कुछ बताया, यहाँ पर हलचल बताई, रेट बताए, दुकान वालों से भी बात करी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसे लेगी जरूर बताइएगा। हैप्पी नवरात्रि सभी को। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।